हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, तापमान बढ़त की ओर है। ऐसे में शहर के विभिन्न भागों में गंभीर पेयजल संकट के साथ साथ दूषित पेयजल सप्लाई की शिकायतें भी मिलनी शुरू हो गई हैं। मजे की बात यह है कि इन शिकायतों पर जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। दूषित पेयजल सप्लाई से प्रभावित क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि गंदा पानी आने से उनके बच्चे तो बीमार हो ही रहे हैं, बड़ों को भी पेचिश व पेट खराब होने की शिकायत हो रही है। भिवानी की पिपली वाली जोड़ी, रेल पार नई बस्ती, वार्ड 14 व वार्ड 15 की अनेक बस्तियों में ये मामला सामने आया है, जहां सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में सप्लाई किया जा रहा है। इस मामले में स्थानीय लोग पार्षद से भी मिल समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। स्थानीय निवासी ओमपति सुनीता कमला देवी लक्ष्मी देवी का कहना है कि उनके क्षेत्र में पिछले एक माह से दूषित पेयजल सप्लाई हो रहा है, जिसके चलते उन्हें बीमारियों से ग्रसित होने का भय सता रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दी जा चुकी है तथा स्थानीय पार्षद को भी अवगत कराया गया है, पर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वह समस्या अधिक गहरी बन सकती है। देख लियो चिड़ी का पानी है। कोई भी आके देख लो, रोली पीछे मारो पानी ही को नहीं आया। इस मामले में वार्ड 15 के पार्षद पति पवन ने कहा कि उनके संज्ञान में दूषित पेयजल सप्लाई की समस्या आई है। मेरे वार्ड में पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से सीवरेज का गंदा पानी पीने के पानी सप्लाई में मिलकर आता है, और इस बारे में विभाग को कैसा बोला भी गया है, अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और इसका मेन रीजन ये है कि पिछले 1-1.5 महीना पहले यहाँ पर एक नई लाइन डाली गई थी, वो यहाँ पर बूस्टर तैयार हुआ इसकी लाइन है, यहाँ पर इसकी वजह से कई जगह बीच में कट लग गई, जिससे न पानी बिल्कुल गंदा आता है और इतना काला पानी आता है, सीवरेज उसके अंदर मिक्स होकर आता है। पीने का तो क्या, वो पानी तो उसके इतनी बदबू आती है जोरदार, इससे बीमारी खतरा हो गया बहुत। मेरे वार्ड के बहुत लोग बीमार हो गए हैं। पीपी वाड़ी जोड़ी के सारे एरिया में इतना गंदा पानी आता है, जिसमें वार्ड नंबर 14 भी है और वार्ड नंबर 15 भी है। प्रशासन से बोलते हैं कि हाँ जी करेंगे करेंगे करेंगे, पर तो अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हर रोज लोग मेरे घर पर आते हैं इकट्ठे होकर और बोलते हैं कुछ करो कुछ करो, अगर पानी पीने को नहीं होगा तो फिर क्या रहेगा। तो मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि इस बारे में कुछ कार्रवाई हो, वरना हमें एक आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी और हमें रोड पर आना पड़ेगा। और यही समस्या मेरे हनुमान डानी में भी यही समस्या है। ये गंदा पानी की समस्या तो प्रशासन पता नहीं क्या करता है। इतने जय इतनी बार बोल चुका हूँ मैं कि जो लीकेज है ठीक करवाओ, ना लीकेज ठीक करवाता है ना कोई समाधान करवाता है, बोलता है लेबर नहीं है। ये लेबर का तो डिपार्टमेंट करेगा, मैं तो नहीं करूँगा। तो प्रशासन से गुहार है कि इस बारे में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, वरना अभी इलेक्शन चिरता है, जनता भी प्रशासन को बहुत बुरा भला कहेगी। पानी को नहीं आवा, हम भी हमारा आदमी खराब पानी देखती हूँ, हम तीस आया हमारा था बिल्कुल पानी को नहीं आया, लाइन में पानी को नहीं आया हमारी में, तो 4 महीना हो गया के पीवा के जीवा के बच्चा पिलावा, बीमार आदमी सिर को पानी आवा कीड़ा तल लें मैं जगूड़ उठ नहीं रहा, गंद को पानी उनको हम क्या करा बताओ, वो पानी को डंगर भी नहीं पीऊ उसको। तो क्या नाम था आपका? लक्ष्मी जी। मार पानी की समस्या है, यो गुस्सा तैयार नहीं होता, कहते हैं 12 तारीख का याद जगह, यो याद कितनी तारीख को लिए, आए महीना करे जहाँ पानी नहीं आता, ताकि एक बाढ़ नहीं किता पानी भरवाए जाएंगे, धनी बीरा की लड़ाई मार जा पानी ऊपर, थोड़ा रोटी भी नहीं खाओ कर ले मत पानी भरवा दूंगा ताल कर दूंगा तान, ये बता क्या कर सका इस बात का, सारा सीवर का जमा लैटरिन का बास आओ इसी को सुती बताई, इसका क्या कर लेती हूँ वहाँ का क्या करा इसका, एक मैं भी काम को नहीं आओ पानी क्या कर सका इसका। क्या नाम आपका? कमला। सुनीता किस प्रकार की समस्या आ रही है आपके यहाँ पे? महाराज जी पानी की समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। इस बूस्टर पास लगा रखी थी हमने बहुत दिनों से, हम परेशान हो रहे हैं, और हमने सोचा थे बूस्टर बनेगा तैयार होगा तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी, हमने सुविधा मिल जाएगी में इवा वैसा पानी 10 दिन में भी न मैं तो वो सीढ़ा आवश है, उस पानी का हम क्या करा, लैटरिन में कौन गिरा जाओ पानी बताओ, दुखी हो लिए ग्राम छिक लिया हम पानी भर भर की लड़ाई मती जा पानी के बारे में,
बालक नौकरी जानी है, काम पर जानी है, फूल पानी भरवावा घर नहीं बैठ जाए, दुकान पर नहीं पूछ रहे जो छोटी मोटी नौकरी सुने बालक वो पानी भर भर की लड़ाई करके घर में बैठ जाए, रूस की नुकेंगे पानी भरवा ले काम करवा ले मम्मी तो